कर्ज की मुश्किलों से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने आज नई पहचान लॉन्च कर दी है। कंपनी का नया ब्रांड VI होगा, यानी वोडाफोन और आइडिया अपने लोगों में एक साथ नजर आएंगे। बाजार में फिर से एक बार अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कंपनी ने सोमवार को अपने ब्रांड की रीलॉन्चिंग की। लॉन्चिंग के मौके पर अधिकारियों ने कहा कि नए ब्रांड को लाने के पीछे उद्देश्य कॉल्स की बेहतर गुणवत्ता और इससे जुड़ी सेवाओं की उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। इस ब्रांड के जरिए कंपनी उच्च गुणवत्ता के वादे पर ग्राहकों के एक नए वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। साथ ही कंपनी इस ब्रांड को लाकर अपने घट रहे यूजर बेस को भी रोकना चाहती है। इस ब्रांड लॉन्चिंग के साथ कंपनी ने अपनी वेबसाइट का कलर भी चेंज कर दिया है। लॉन्चिंग के मौके पर आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि वोडाफोन और आइडिया दोनों ने नेटवर्क अनुभव, ग्रामीण कनेक्टिविटी, ग्राहक सेवा, उद्यम गतिशीलता समाधान और कई अन्य नए मानक स्थापित किए हैं। बिड़ला के चेयरमैन ने आगे कहा कि 90 के दशक के मध्य से ही वोडाफोन और आइडिया दोनों ने अलग अवतारों में सेक्टर के विकास को गति दी है। उन्होंने कहा, हम डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं और इसको गति प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। वोडाफोन आइडिया पहले दो अलग कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन जियो के आने के बाद दोनों कंपनियों का आपस में विलय हो गया था। इस विलय के बाद वोडाफोन आइडिया एक कंपनी बन गई थी, लेकिन प्रतिस्पर्धा और कर्ज की मार से कंपनी का घाटा लगातार बढ़ता गया। वहीं AGR बकाए को समय से न चुकाने पर भी कंपनी का दबाव बढ़ता गया। उम्मीद की जा रही है कि इस नए ब्रांडिंग से कंपनी की सेहत में कुछ सुधार देखने को मिल सकेगा। वोडाफोन आइडिया के CEO रविंदर टक्कर का कहना है कि कंपनी टैरिफ में बढ़ोतरी के लिए भी तैयार है। नए टैरिफ से कंपनी को ARPU सुधारने में मदद मिलेगी। कंपनी का मौजूदा टैरिफ ₹114 है, जबकि एयरटेल और जियो का APRU क्रमशः ₹157 और ₹140 है। इस ब्रांडिंग को लेकर कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, आइए इन्हें आपको बताते हैं। VI में V का मतलब वोडाफोन और I का मतलब आइडिया है। कंपनी के मुताबिक I के डिजाइन प्रगतिशील भारत को दर्शाती है। वोडाफोन आइडिया ने हैप्पी सरप्राइजेस प्रोग्राम की घोषणा की है, जिसके जरिए लोग कंपनी के नई ब्रांडिंग, लोगो और ऐप के बारे में जान सकेंगे और हर रोज इनाम जीत सकेंगे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ग्राहकों को GoPro कैमरा, OnePlus 8, नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कंपनी ने नई ब्रांडिंग के साथ एक मोबाइल ऐप VI ऐप भी पेश किया है, जिसकी मदद से यूजर्स खुद के एक्सक्लूसिव VI ट्यून बना सकेंगे। यूजर्स इस ऐप में अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालकर रिंगटोन प्राप्त कर सकेंगे। यह काम वेबसाइट से भी हो सकता है। यह सुविधा वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के अलावा अन्य यूजर्स के लिए भी है। ग्राहकों के लिए नई वेबसाइट http://myvi.in लॉन्च की गई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।